तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से न्यू लोन एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनली जिस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ आधार पैन के साथ एप्लीकेशन वर्क करती है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि आपको यहाँ पर 10,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा। अभी कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करेगी और किन सिटी में लोन सर्विस ये देने वाली है, सारी डिटेल के साथ वीडियो में मैंने कवर किया, तो शुरू से लेकर अंत एक बार जरूर देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करेगी और किस तरह से हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, सारी डिटेल लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ आपको बताने वाला हूं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हमारे फोन में पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मैं यहां से ओपन करूंगा। दोस्तों एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे यहां पर मैक्सिमम लोन 10,000 रुपए तक का ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं यहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और यहां पर देख पाएंगे 3 स्टेप में एप्लीकेशन ये वर्क करती है। दोस्तों हम बात करें यहां पर कि किस तरह से एप्लीकेशन वर्क करती है, तो आप यहां पर देख पाएंगे 4 स्टेप में एप्लीकेशन ये वर्क करती है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन बताना होगा, साथ ही साथ आपको बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन देना होगा, यानी 1x1 डिटेल आपको लाइव अप्लाई करके बताने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर में आपको बेसिक डिटेल्स शेयर करना होगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है अपने हिसाब से दीजिए और अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, जेंडर बताइए, फादर नेम के साथ साथ यहाँ पर मदर नेम बतानी होगी, मैरिटल स्टेटस बताइए, साथ साथ यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दीजिए और पैन कार्ड नंबर बताइए। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है करेंट रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको यहाँ पर करेंट एड्रेस बतानी होगी, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर सेम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा, जिसके जरिए से आप इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है KYC डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसमें कि आप वेरिफिकेशन कराने के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर आधार कार्ड ही डालें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी अपलोड करेंगे, आधार कार्ड का बैक कॉपी अपलोड करेंगे, एक सेल्फी लेंगे, यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का फोटो कॉपी अपलोड करेंगे और इस तरह से नीचे से कंफर्म करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, अगर कोई कंपनी में काम करते हो कंपनी का नाम, या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताइए, कितने सालों से काम करते हैं, आपका पोस्ट क्या है, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, सैलरी रेंज बताइए, ऑफिस पिन कोड आपको बताने होगी, या फिर कोई बिजनेस है तो बिजनेस जिस एरिया में है उस वहाँ का पिन कोड बताइए, फुल एड्रेस डिटेल के साथ, उसके बाद नीचे से कंफर्म करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है बैंक डिटेल्स, यानी कि बैंक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना होगा, जिस भी आप बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट करना चाहते हैं, यहाँ अपना IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम चूज करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और कंफर्म करेंगे अपना अकाउंट नंबर और नीचे से कंफर्म करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फाइनली यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर एवेल्यूशन हो रही है हमारे एप्लीकेशन। तो दोस्तों फिलहाल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे 10,000 रुपए की लिमिट फिलहाल दिखाई जा रही है। इस लोन को लेने के लिए करेंगे क्या, गेट नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे यहाँ पर 2,000 रुपए तक का पहला लोन अमाउंट मिलने वाला है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। और ये लोन ऑफर करने वाली है कैशबस एप्लीकेशन द्वारा, जिसमें कि हम मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। तो यहाँ पर 2,000 रुपए आपको मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपको मिल रहा है, यानी कि 7 डेज के लिए लोन टर्म आपको मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप 2,000 रुपए लेना चाहते हैं 7 डेज के लिए तो आप नीचे से नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों एक बार लोन डिटेल जरूर चेकआउट कर लें, यहाँ पर देख पाएंगे अप्लाई डेट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट होगा वो आपके सामने, यहाँ पर लोन टर्म भी आ जाएगा, पर्पस ऑफ लोन आपके सामने आ जाएगी और साथ साथ यहाँ पर देख पाएंगे इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पर 13 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है और सर्विस भी आपसे 472 रुपये देने होंगे। आपके जो भी बैंक खाते में आने वाले हैं 1,528 रुपये आएंगे और लोन को रिपेमेंट करना होगा 2,013 रुपये, वो भी 7 डेज के बाद। अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक खाते में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है। जेन्युइन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल नीड हो, इमरजेंसी नीड हो तो ही आप एप्लीकेशन द्वारा लोन के लिए अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों ये है लोन जोन एप्लीकेशन, जो कि इंस्टेंट पर्सन लोन ऐप के जरिए से यहाँ पर लोन ले पाएंगे। कोई भी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार पैन के साथ एप्लीकेशन वर्क करती है। मैंने सारी डिटेल लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ आपको बता दिया एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें कि आपको 2 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का मैक्सिमम टेन्योर मिल सकता है, लाइव विद प्रूफ पेमेंट लेकर भी बताया है। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट।
चेकआउट कर ले। दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें कि ईएमआई बेस के ऊपर लोन सर्विस देती है। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ मैंने बताया है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर ले। तो दोस्तों यदि आप इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, उस लिंक के जरिए से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, प्रॉपर तरीके से लोन के लिए अप्लाई करिए और इंस्टेंट अपने बैंक खाते में लोन अमाउंट क्रेडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।